हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस अब टाइम 3:30 हो रहे हैं, तो अभी देखिए कितना तेज का बारिश आ रहा है। मेरा बाइक बाहर खड़ा होकर भीग रहा है। और गाइस अब बहुत तेज का भूख लग रहा है, चलिए फिर अब हम लंच करने चलते हैं। अब इतना तेज का बारिश भी हो रहा है, तो कितना तेज का बादल भी कड़क रहे हैं। तो गाइस अभी बारिश में एक्चुअली मैं आज भीगने का बिल्कुल भी मन नहीं था, दो रोज से पूरा कंटिन्यूसली बारिश में भीग रहे हैं। जैसे कि डे बिफोर यस्टरडे हम लोग देवझर गए थे, वहाँ पे भी पूरा वहाँ पे बारिश में तो नहीं भीगे थे, बट वाटरफॉल था वहाँ पे भीग के आए थे। और बाकी कल का जो मैं अगर बात बताऊँ, BMW से हम जो डिलीवरी लेने गए थे BMW बाइक का, तो अगर वो वीडियोज़ आप नहीं देखे तो मैं ऊपर देखे आई बटन में वो वीडियोज़ ब्लॉग भी मैं दे दिया हूँ, आई बटन में क्लिक करके BMW बाइक का डिलीवरी देख सकते हैं। और गए इसके तब भी कल हम लोग भी पूरा बारिश में बहुत ही भीग गए थे, पूरा कपड़ा गीला हो चुका था, तो आज इसलिए हम लोग कहीं जाने का प्लान नहीं बनाए। तो आज मैंने सोचा कि आज घर का ही सारा ब्लॉग बनाता हूँ। तो चलिए फिर गए, अब भूख लग रहा है बहुत तेज वाला, तो अब पहले लंच कर लेते हैं, बाकी का उसके बाद मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ। तो आज लंच में चावल दाल और सब्जी। और गए जब हमारा लंच हो गया है, तो अभी देखते हैं बाहर का सिचुएशन क्या है। तो अभी भी बारिश हो रहा है बाहर, एक्चुअली इतना तेज़ बारिश नहीं हो रहा है, तो हल्का हल्का सा बारिश हो रहा है। अगर मैं बाहर निकलता हूँ तो पूरी तरीके से भीग जाऊँगा, तो जैसे ही बारिश रुकता है फिर कहीं चलने का प्लान बनाता हूँ। तो गाइस ये वाटरफॉल में नहाते वक्त चोट लगाई है, तो अब मैं सोचा कि अभी बैंडेड लगा देता हूँ तो थोड़ा रिलीफ लगेगा, और मैं अब इसमें बैंडेड लगा लिया हूँ, ये पहले से अभी रिलीफ लग रहा है। और गाइस जब बारिश रुक चुका है, तो जैसे कि अभी सूरज ढलने वाला है और शाम भी होने वाला है, तो गाइस क्या ये सही टाइम है, तो अब मैं घर से निकल जाता हूँ। पता नहीं अभी बारिश होने वाला है या नहीं, अभी जैसे कि थोड़ी देर जाएगा, अगर बारिश होने लगेगा फिर हम कहीं नहीं जा सकते, तो मैं अभी घर से निकलता हूँ। तो पहला ये है, अब हम घर से निकल जाते हैं और जितने भी अपडेट्स हैं मैं आपको दिखाता हूँ। और क्या जैसे कि अभी मैं मार्केट जाने वाला था, मार्केट एक्चुअली नहीं गया, तो सीधे ही मस्जिद गए, नमाज़ पढ़ के फिर घर अभी आ गया हूँ। अभी एक्चुअली मार्केट जाने का मूड ही नहीं हुआ, तो मैं सोचा कि आज मार्केट नहीं जाऊँगा। एक्चुअली क्या है, बारिश का मौसम था इसलिए बाहर जाने का दिल नहीं हुआ, तो मैं अभी घर आ गया हूँ। चलिए फिर घर का मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ। तो अब गाइस जब मैं ग्रीन टी बनाने वाला हूँ, चलिए फिर ग्रीन टी के लिए मैं देख लेता हूँ पत्ती कहाँ पे। तो पहले पानी ले लेता हूँ, अब थोड़ा इसमें शुगर ऐड कर लेता हूँ, और बाकी मैं इसको भी ओवन में रख लेता हूँ और टाइम देता हूँ 1 मिनट का। और ये रहा लिप्टन का ग्रीन टी, तुलसी फ्लेवर वाला, और ये अब अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, तो उसे अच्छे से मैं मिला लेता हूँ। और ये रहा ग्रीन टी का बैग, इससे अच्छे से मैं अभी मिला लेता हूँ। तो चलिए अब बारिश में ग्रीन टी का मज़ा लेते हैं। अब ये हमारा ग्रीन टी बन गया है और पूरा एनर्जेटिक लग रहा है। हाय एवरीवन, अब मेरे को बहुत तेज़ नींद आ रहा है, अब रात के 9:30 हो चुके हैं आज, पता नहीं इतने जल्दी बहुत तेज़ नींद आ रहा है, तो मैं सोचा कि आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। तो मैं जैसे कि एडिट करके अभी अपलोड करने वाला हूँ, करके आज बहुत जल्दी सोने वाला हूँ। तो चलिए फिर गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियोज कर देना लाइक, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर गाइस हम वापस से मिलेंगे नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मीट यू नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग, टिल देन गुड बाय।